नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर। एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और है, नया एमसीक्यू हम लेके आए एम्स नॉट सेट एसएससी सीआरपीएफ पीजीआई पीएसआईसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिकी कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद्रेशनल। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करवा दीजिए ताकि एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का हम यहाँ पे फायदा उठा सके। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आप लोगों से गुजारिश है कि आप जितने लोगों को ये चैनल और ये वीडियो शेयर करेंगे उतने लोग इस कंटेंट का फायदा उठा पाएंगे और अपने भविष्य निर्माण की तरफ बढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। और अगर आप इन रिपीटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को विद रैशनल समझ लेंगे तो ये लाइफ लॉन्ग के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल स्टडी इन क्वेश्चन के थ्रू हम करते हैं और ये कंसेप्ट जो होते हैं वो आपको डेफिनेटली अपने टारगेट तक पहुंचाएंगे। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेहतरीन क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज के सेशन का ये रहा। A client has been given the drug Neulasta, जिसके अंदर जो composition है, जो pharmacological name है, वो है pegfilgrastim। Drug का नाम है pegfilgrastim। सवाल पूछ रहा है कि which laboratory value indicate that the drug is producing the desired effect? है ना, आपने एक मरीज को question ने क्या बोला? आपने एक मरीज को दवाई दिया और उस दवाई का नाम है pegfilgrastim। ये दवाई आपने मरीज को दिया, कौन सी लैब वैल्यू, कोई लैब वैल्यू यहाँ पे दी हुई है नीचे, कौन सी लैब वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि ये जो ड्रग आपने पेशेंट को दी है फिलग्रास्टिम, ये दवाई ने प्रोड्यूस कर दिया डिजायर इफेक्ट। जो इस दवाई का इफेक्ट आना चाहिए था वो डिजायर इफेक्ट दवाई ने प्रोड्यूस कर दिया, क्या वो लैब वैल्यू आपको मिली? पहला ऑप्शन है कि हीमोग्लोबिन मरीज का 13.5 ग्राम पर डीएल हो गया। दूसरा ऑप्शन है उसका डब्ल्यूबीसी जो है वो 6000 पर एमएम हो गया। तीसरा है कि मरीज का प्लेटलेट जो है वो 300000 पर क्यूबिक मिलीमीटर हो गया और हीमेटोक्रिट जो है वो 39% हो गया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको ये पता हो कि ये दवाई किस प्रॉब्लम में इंडिकेट होती है, फिलग्रास्टिन दवाई किसको देते हैं, तो आप इस सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे पाएंगे। तो देखिएगा, नॉर्मली ये दवाई यूज की जाती है कीमो पेशेंट के अंदर, जिन पेशेंट को कीमोथेरेपी चलती है, जिन पेशेंट को कैंसर के जो पेशेंट होते हैं जिनको कीमोथेरेपी चलती है, उन मरीजों में कीमो ड्रग की वजह से न्यूट्रोपनिया हो जाता है, ल्यूकोपनिया हो जाता है। न्यूट्रोपनिया बोल दो, ल्यूकोपनिया बोल दो। डब्ल्यूबीसी काउंट जो होता है, डब्ल्यूबीसी काउंट उसके नंबर जो होते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट के नंबर जो है वो कम हो जाते हैं मरीज के अंदर ड्यू टू द बोन मैरो सप्रेशन। डब्ल्यूबीसी काउंट के नंबर क्यों हो जाते हैं? ड्यू टू द बोन मैरो सप्रेशन। बोन मैरो जो है वो क्या हो जाता है? सप्रेस हो जाता है। और किसकी वजह से सप्रेस होता है? कीमो ड्रग्स की वजह से ये बोन मैरो सप्रेस हो जाता है। अब जब बोन मैरो सप्रेस हो जाता है तो डब्ल्यूबीसी के नंबर कम हो जाते हैं। जब डब्ल्यूबीसी के नंबर कम हो जाते हैं मरीज के अंदर, तो उन डब्ल्यूबीसी के नंबर को इंक्रीज करने के लिए उस पेशेंट को दवाई दी जाती है फिलगैस्ट्रिन। ये जो दवाई होती है पैग फिलगैस्ट्रिन, इसको आप बोल सकते हो, ये दवाई दी जाती है और ये डब्ल्यूबीसी के नंबर को क्या करती है? इंक्रीज करने का काम करती है। तो हो सकता है मरीज में पहले डब्ल्यूबीसी के नंबर कम थे, आपने उस मरीज को ये दवाई दी और दवाई देने के बाद में इस दवाई का एक्शन डिजायर इफेक्ट क्या आएगा कि वो डब्ल्यूबीसी के नंबर को बढ़ा देगा। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी बनेगा। अगर डब्ल्यूबीसी मरीज का 6000 हो गए तो ये इस दवाई ने अपना इफेक्ट दिखा दिया। इसका मतलब पहले शायद डब्ल्यूबीसी के नंबर 1000 थे, कम थे, 4000 से 10000 नॉर्मल काउंट होते हैं डब्ल्यूबीसी के। नॉर्मल नंबर कितने होते हैं? 4 to 10000, है ना, ये नॉर्मल नंबर होता है डब्ल्यूबीसी के, 4 to 10000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये नॉर्मल वैल्यू होती है डब्ल्यूबीसी की। अब डब्ल्यूबीसी मरीज का जो है वो शायद पहले 1000 था, उस मरीज को आपने दवाई दिया पैग फिलग्रिस्टिन, ये दवाई आपने मरीज को लगा दिया, तो उसके डब्ल्यूबीसी 1000 से बढ़ के कितने हो गए? 6000। इसका मतलब डब्ल्यूबीसी के नंबर इंक्रीज हो गए, तो इस ड्रग ने अपना डिजायर इफेक्ट दिखा दिया और उसने डब्ल्यूबीसी के नंबर को बढ़ा दिया। और यही इस दवाई का काम था कि ये डब्ल्यूबीसी के नंबर को बढ़ा के अपना डिजायर इफेक्ट दिखा देता है और उससे मरीज जो है उसमें कम हुए हुए डब्ल्यूबीसी के नंबर बढ़ जाएंगे और मरीज जो है उसका प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगा। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हीमोग्लोबिन को नॉर्मल करने, प्लेटलेट के नंबर को बढ़ाने या हीमेटोक्रिट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए पेगफिलग्रास्टिन दवाई काम में नहीं लिया जाता। तो ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा,
द नर्स इज रेस्पॉन्सिबल सॉरी रेस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम ए क्लाइंट विद पॉलीसाइथेमिया वेरा। एक मरीज है जिसने क्वेश्चन किया, मरीज जो है वो जिस बीमारी का है वो बीमारी है पॉलीसाइथेमिया वेरा। उस पॉलीसाइथेमिया वेरा वाले मरीज ने नर्स को क्वेश्चन किया और उसका आप रेस्पॉन्स दे रहे हो, विच वुड बी इंक्लूड इन द नर्स एक्सप्लेनेशन द क्लाइंट शुड, है ना। जो पॉलीसाइथेमिया वेरा का मरीज है उसके क्वेश्चंस का जब आप रेस्पॉन्ड दे रहे हो तो क्या चीज आप अपने एक्सप्लेनेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। जब आप कुछ चीज का एक्सप्लेन कर रहे हो, मरीज ने कुछ पूछा, पॉलीसाइथेमिया वेरा का मरीज है, तो जब आप उसको रेस्पॉन्ड दे रहे हो, जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो अपने कंसेप्ट को, तब आप क्या चीज मरीज को रेस्पॉन्ड करोगे, क्या चीज मरीज को बताओगे जिसको सुन के मरीज ये समझ जाएगा कि किस चीज को किस तरीके से करना होता है। मरीज पॉलीसाइथेमिया वेरा का है, उसने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको उस क्वेश्चन के जवाब देने, तो क्या जवाब आप वहां पे देंगे, एक्सप्लेन करेंगे, रेस्पॉन्ड कैसे करेंगे कि मरीज समझ जाएगा कि आप सही रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। फर्स्ट है अवॉइड लार्ज क्राउड, मरीज को कहेंगे कि तुम्हें भीड़ को अवॉइड करना है। कीप द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड एट नाइट, रात के समय तुम्हें हेड ऑफ द बेड को एलिवेट करके रखना है। तीसरा है वियर सॉक्स एंड ग्लव्स व्हेन गोइंग आउटसाइड, जब तुम बाहर जाते हो तो सॉक्स और ग्लव्स तुम्हें पहनने होते हैं। और लास्ट है रिकॉग्नाइज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस, तुम्हें थ्रोम्बोसिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को रिकॉग्नाइज करना होता है। मरीज के क्वेश्चन का क्या जवाब देंगे, क्या रेस्पॉन्स देंगे, क्या एक्सप्लेनेशन आपका रहेगा, जो मरीज पॉलीसाइथेमिया वेरा का है जवाब लिखिएगा। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, बहुत अच्छे। देखिएगा पॉलीसाइथेमिया वेरा बीमारी जो होती है उसमें आरबीसी जो है उसके नंबर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पॉलीसाइथेमिया वर्ड का मतलब ही होता है इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी के नंबर ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, तो डेफिनेटली वो आरबीसी जो होती है वो ब्लड को थिक कर देती है, है ना। ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली सेल ऑलरेडी आरबीसी होती है, जो मिलियंस में होती है। आपको पता हो कि तीन सेल होती है ब्लड सेल, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट। और इन तीन सेल के अंदर जो आरबीसी है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में होती है, जो कि 3 to 4 million पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है, जबकि आपकी डब्ल्यूबीसी हजारों में होती है और प्लेटलेट लाखों में होती है, जबकि आरबीसी जो होती है वो मिलियंस के अंदर होती है। तो ऑलरेडी आरबीसी के नंबर ब्लड में ज्यादा होते हैं, जब और ज्यादा आरबीसी के नंबर बढ़ जाते हैं उसको पॉलीसाइथेमिया आपने बोल दिया। पर इतनी आरबीसी बढ़ गई कि उसने ब्लड को कैसा कर दिया थिक। अब ये जो थिक ब्लड है, ये ब्लड जितना ज्यादा गाढ़ा होता है उतना ब्लड में थ्रोम्बस बनने की संभावना होती है। जितना ब्लड गाढ़ा होता है उतना ब्लड में क्या बनने की संभावना होती है, थ्रोम्बस। ब्लड के अंदर थ्रोम्बस या सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग आप इसको बोल दो, क्या होता है थ्रोम्बोसिस, कैसे प्लेटलेट प्लग बनते हैं, ये डिटेल लेक्चर अगर आपको पढ़ना है तो आपको थ्योरेटिकल लेक्चर को ज्वाइन करना पड़ेगा, बहुत लंबी कहानी है। और थ्योरेटिकल लेक्चर को ज्वाइन करने के लिए आपको टीम नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ना पड़ेगा। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट जोधपुर के अंदर भगत की कोठी न्यू पाली रोड के ऊपर उपस्थित है। टीम नोवल वहां पे आपको कराती है कंसेप्चुअल स्टडी, तो आप वहां पे जुड़ सकते हैं थ्योरी लेक्चर के लिए। लेकिन यहां मैं थ्रोम्बस की बात करूं तो थ्रोम्बस जो है इसको सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग के नाम से भी जानते हैं। और थ्रोम्बस जो है उसके बनने के का सबसे बड़ा कारण होता है कि पेशेंट के ब्लड जो है उसका एक तो क्या हो जाना, थिक हो जाना, गाढ़ा हो जाना, और ब्लड की स्टेसिस होना। स्टेसिस का मतलब है रुकना ब्लड का। जब भी ब्लड गाढ़ा हो जाए और रुकने लग जाए तो वहां पे थ्रोम्बस बनने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो मरीज है हमारा जिसको पॉलीसाइथेमिया वेरा है, जिसमें आरबीसी के नंबर ज्यादा है, जिसका ब्लड थोड़ा थिक हो चुका है, वो ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, तो ये गाढ़ा ब्लड में मरीज में आपको थ्रोम्बोसिस होने की रिस्क है। और आपको क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिकॉग्नाइज करना है कि मरीज को थ्रोम्बोसिस तो नहीं हुआ है। अब थ्रोम्बोसिस के क्लिनिकल साइन क्या होते हैं, कि थ्रोम्बोसिस किस एरिया में, उसके अनुसार क्लिनिकल साइन आएंगे। ये थ्रोम्बस अगर डीप वेन में बन गया तो मरीज को डीवीटी हो जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है, जो लेग के अंदर होता है, लेग में एडिमा डेवलप हो जाता है। अगर ये थ्रोम्बस जो है आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर बन गया, कोरोनरी आर्टरी के अंदर बन गया, तो पेशेंट जो है उसको एमआई हो जाता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाता है। अगर ये थ्रोम्बस मरीज की जो है ब्रेन के अंदर बन गया तो मरीज को स्ट्रोक हो जाता है। क्या हो जाता है, स्ट्रोक, सीवीए बोलते हैं इसको, सेरिब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट और स्ट्रोक। अगर ये थ्रोम्बस जो होता है ये कहीं भी पल्मोनरी एरिया में हो गया तो उसको पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस के नाम से हम जानते हैं। तो जहां ये बन गया उसके अनुसार डिजीज कोज करता है। तो आपको थ्रोम्बोसिस के क्लिनिकल साइन वहां पे रूल आउट करने हैं। तो आंसर डी यहां पे करेक्ट बनेगा, क्राउड, लार्ज क्राउड को अवॉइड करना। ये पॉलीसाइथेमिया वेरा में नहीं होता, क्योंकि जब डब्ल्यूबीसी के नंबर कम होते हैं तब ये चीज करना होता है, वहां मरीज इंफेक्शन की रिस्क पे रहता है। यहां पे ये बीमारी तो आरबीसी की है, ये डब्ल्यूबीसी की नहीं है। अगर किसी मरीज को डब्ल्यूबीसी काउंट कम होता है तब उसको क्राउड में नहीं जाना होता, उसको इन्फेक्शन का खतरा रहता है। यहां पे इस मरीज में ये लागू नहीं होता है। कीप द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड एट नाइट, रात के समय हेड ऑफ द बेड को एलिवेट करके रखना पॉलीसाइथेमिया वेरा के मरीज के लिए कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है।
और वियर सॉक एंड ग्लव्स व्हेन गोइंग आउटसाइड, ये भी पॉलीसाइथेमिया वेरा से संबंधित नहीं है। ये जब प्लेटलेट के नंबर कम होता है, मरीज ब्लीडिंग की रिस्क पे होता है, उसको इंजरी के चांस होते हैं, उस समय इसको आपको काम में लेना होता है प्रोटेक्शन के पर्पज से। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही खोटे जवाब है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, कंसेप्ट बताया है तो आंसर बनेंगे और कंसेप्ट उसी के दिमाग से निकलेंगे जिन्होंने लाइक बटन को प्रेस किया। प्रेस द लाइक बटन, मेक द कंसेप्ट, और फिर भी नहीं बन रहे हैं तो एक जगह का नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट इन जोधपुर, यू कैन कम जॉइन अस एंड मेक योर कंसेप्ट एंड मेक योर फ्यूचर सो 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 ब्राइट। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, इजी क्वेश्चन। फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड मिनिमल बैक्टीरियल डाइट, फिजिशियन ने ऑर्डर कर दिया मरीज को उसको मिनिमल बैक्टीरियल डाइट लेनी है। कैंसर का मरीज है तो डेफिनेटली कैंसर के मरीज में हमने बोला कि बोन मैरो सप्रेस होता है, WBC काउंट कम होता है, तो मरीज इन्फेक्शन की रिस्क पे रहता है। अब कैंसर का मरीज जो इन्फेक्शन की रिस्क पे है, उस कैंसर के मरीज में ऐसी डाइट दो जो इन्फेक्शन ना करे, बैक्टीरियल डाइट, कम से कम बैक्टीरियल डाइट जिसमें बैक्टीरियल प्रॉब्लम ना हो वो डाइट मरीज को दो। तो ये ऑर्डर करने का वहां पे बोला है। कौन सा सीजनिंग इज नॉट परमिटेड टू द क्लाइंट, मरीज को कौन सा आइटम, कौन सी डाइट परमिट नहीं होगी, मतलब वो कौन सी डाइट है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। अगर आपको सवाल समझ में आया तो आप जवाब दे पाएंगे। और पूछा सवाल ने कि कैंसर का मरीज है, कैंसर का मरीज में WBC काउंट जो है वो कम होते हैं, तो मरीज जो है वो किसकी रिस्क पे होता है, इन्फेक्शन की रिस्क पे होता है। जितने भी कीमोथेरेपेटिक एजेंट है वो बोन मैरो को सप्रेस करते हैं जिससे मरीज में WBC काउंट कम हो गया और मरीज इन्फेक्शन की रिस्क पे है। अब जो मरीज इन्फेक्शन की रिस्क पे है उसको करना क्या, आपको मिनिमल बैक्टीरियल डाइट देनी है, उस मरीज को ऐसी डाइट देनी है जिसमें बैक्टीरिया कम से कम हो, डाइट के अंदर बैक्टीरियल एक्सपोजर कम से कम कराना है मरीज को। कैंसर का मरीज है, मिनिमल बैक्टीरियल डाइट देनी है, तो कौन सा फूड आइटम वहां पे परमिटेड नहीं है, नॉट परमिटेड यहां पे लिखा हुआ है। फर्स्ट है साल्ट, लेमन जूस, पेपर और केचप, ये चार ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। मिनिमल बैक्टीरियल डाइट अगर आपको मरीज को देनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि साल्ट से मैं बैक्टीरिया होने की संभावना नहीं होती है, लेमन जूस में बैक्टीरिया होने की संभावना नहीं होती है, और केचप जो है ये भी पैकेजिंग में होता है इसमें बैक्टीरियल होने की संभावना नहीं होती है। लेकिन जो मेरी पेपर होती है ये ग्राउंड पेपर होती है, और ग्राउंड पेपर जो होती है वो मिट्टी से एक्सपोज में रहती है तो इसमें बैक्टीरिया होने की संभावना होती है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये डाइट जो है वो मरीज को डाइट में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इससे मरीज को बैक्टीरियल एक्सपोजर होने की संभावना है और इन्फेक्शन की रिस्क पे रखेगी ये डाइट। वो मरीज जो कैंसर के होते हैं जिनमें WBC काउंट कम होता है और इन्फेक्शन की रिस्क पे होते हैं, उन मरीजों को आपको कच्ची चीजें, कच्ची सब्जियां, कच्चे फ्रूट्स जो है वो काम में नहीं लेने होते, पका हुआ चीजें काम में लेना होता है क्योंकि कच्ची चीजों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। उनको कोई भी नेचुरल जो फूल होते हैं उनसे एक्सपोज नहीं होना चाहिए, उनको बगीचे के अंदर, बाग के अंदर नहीं जाना होता है क्योंकि वहां पे बैक्टीरियल एक्सपोजर हो जाएगा और उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। वो मरीज जो कि WBC काउंट कम वाले होते हैं उनको क्राउड वाली जगह पे, भीड़ के अंदर नहीं जाना होता, उनको क्राउड अवॉइड करना होता है। वो मरीज जिनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना होती है उन मरीजों को मास्क लगा के रखना होता है, खुद का प्रोटेक्शन करके रखना होता है। वो मरीज जिनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना होती है उनको किसी को भी खांसी जुकाम वाला जो मरीज होता है उसके एक्सपोजर में नहीं आना चाहिए। ऐसे मरीजों को हॉस्पिटल विजिट नहीं करना चाहिए फ्रीक्वेंटली, ऐसे मरीजों को वहां नहीं जाना चाहिए जहां पे इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इनको ज्यादातर आइसोलेट रहना होता है, ज्यादातर क्राउड वाली चीजों से अलग रहना होता है, दूसरे लोगों से अलग रहना होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी बनेगा, पेपर इस मरीज को अलाउ नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद हिप फ्रैक्चर, जिस मरीज की आप केयर कर रहे हो उस मरीज में हिप में क्या हो चुका है, फ्रैक्चर हो चुका है। हु इज बीइंग डिस्चार्ज विद ए प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एलेंड्रोनेट, एलेंड्रोनेट के प्रिस्क्रिप्शन के साथ में मरीज डिस्चार्ज हुआ है, फ्रैक्चर हिप हुआ था मरीज को और उसको आप डिस्चार्ज कर रहे हो किस प्रिस्क्रिप्शन के साथ में, एलेंड्रोनेट, फोसा मैक्स के नाम से ये दवाई आती है एलेंड्रोनेट, इसके साथ में आप मरीज को डिस्चार्ज कर रहे हो। कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करता है कि मरीज को फर्दर टीचिंग की जरूरत है, मतलब जो फ्रैक्चर हिप का मरीज है उसको एलेंड्रोनेट देके आप डिस्चार्ज कर रहे हो और मरीज ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया वो ये कह रहा है कि मरीज को और जरूरत है टीच करने की, इसका मतलब मरीज का जो स्टेटमेंट है वो खोटा स्टेटमेंट है, मरीज समझ नहीं पाया कि एलेंड्रोन दवाई को लिया कैसे जाता है। अब सबसे पहले हम एलेंड्रोन दवाई की बात करें तो इस दवाई को लेने का तरीका क्या होता है, एलेंड्रोनेट दवाई जो होती है उसको मरीज को अर्ली मॉर्निंग लेना होता है, इस दवाई को लेते समय मरीज को खाली पेट रहना होता है, दवाई को एक गिलास पानी के साथ में ले लेना होता है, खाली पेट एक गिलास पानी के साथ में लेना है।
दवाई को लेने के बाद में मरीज को सीधा रहना है, लेटना नहीं है, मतलब सोना नहीं है, उसको घंटे भर तक घूमना फिरना है, अपने डेली रूटीन के काम करना है, लेकिन उसको लेटना नहीं है, लाई डाउन नहीं होना है ना। ये एलेंड्रोल दवाई लेने का तरीका होता है। अगर मरीज इन सब तरीकों को बोल रहा है तब तो मरीज सही है, और इसमें मरीज किसी भी तरीके का गलत स्टेटमेंट दे रहा है तो मरीज को दोबारा से समझाने की जरूरत है कि उसको एलेंड्रोनेट दवाई लेनी कैसे होती है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा है कि आई शुड टेक द मेडिकेशन इमीडिएटली बिफोर बेड टाइम। तो हमने बोला कि इस दवाई को लेना कब होता है, अर्ली मॉर्निंग लेना होता है, सुबह सुबह लेना होता है, इसको रात को या शाम को नहीं लेना होता है। इसने पहले ही डरते ही बोल दिया कि मैं बेड टाइम मतलब सोने से पहले इस दवाई को लूंगा, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तुरंत मरीज को बोले कि ये टाइम सही नहीं है, क्योंकि इसको लेते ही आप लेट जाओगे, जबकि हमने बोला कि एलेंड्रोनेट दवाई लेने के बाद में मरीज को लेटना नहीं होता है। तो ये तो खोटा जवाब हो गया, ए आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि दवाई लेते ही अगर मरीज लेटेगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं है। क्या प्रॉब्लम होता है कि ये दवाई जीईआरडी करता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स करता है, इसलिए मरीज को अपराइट पोजीशन में रहना है, लेटना नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है कि आई शुड रिमेन अपराइट पोजीशन फॉर 30 मिनट्स आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दवाई लेने के बाद में मरीज जो है उसको अपराइट पोजीशन में रहना है 30 मिनट तक। ये स्टेटमेंट मरीज का सही है। द मेडिकेशन शुड बी टेकन बाय माउथ विद वाटर। ये जो दवाई है इसको बाय माउथ लेना है, मुंह से लेना है, पानी के साथ में लेना है। बिल्कुल सही बात है, बाय माउथ वाटर के साथ में लेना है, खाली पेट लेना है। और आई शुड नॉट हैव एनी फूड इनटेक विद दिस मेडिकेशन। कोई फूड इनटेक इस दवाई के साथ में नहीं करना है। इसका मतलब ये जो तीनों स्टेटमेंट मरीज बोल रहा है, बी सी और डी, ये तीनों स्टेटमेंट मरीज के सही है एलेंड्रोनेट लेने के तरीके के अंदर। लेकिन ऑप्शन ए वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल खोटा है। बेड टाइम दवाई को नहीं लेना होता है। द मेडिकेशन शुड बी टेकन एम्प्टी स्टोमक। तो ए यहाँ पे खोटा जवाब बनेगा, इसलिए ये आंसर बनेगा बी सी और डी, तीनों सही है स्टेटमेंट, इसलिए जवाब नहीं बन सकते। इनमें और टीचिंग देने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। तो ये इस लोगो के साथ में एक 5-स्टार रेटिंग का ऐप मिलेगा, इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर देना है। ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आपको सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग देनी है और अपना रिव्यू वहां पे लिखना है। इससे क्या होगा, इस ऐप में मिलने वाले डिफरेंट टाइप के फीचर आप लोगों के लिए खुल जाएंगे। इस ऐप के अंदर अवेलेबल है फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री वीडियो लेक्चर्स। इन टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर का भरपूर आनंद उठा सकते हैं आप। इन फ्यूचर इस ऐप के ऊपर और खूब सारी टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर बिल्कुल फ्री अवेलेबल होंगे। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपकी मदद करेगा अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो अगर आप फ्री टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो आज ही इंस्टॉल कर दीजिए अपने मोबाइल में नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप, और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में इस ऐप से मिलने वाले डिफरेंट फीचर्स को जानिए और टीम नोवल के संग जुड़ जाइए ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। अब आप चाहते हैं कि साहब ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म के अलावा हमें कंसेप्चुअल स्टडी करनी है, हमें टेस्ट जो है उसको समझने का कंसेप्चुअल स्टडी करना है, हमें थ्योरी को समझने के लिए ऑफलाइन स्टडी चाहिए, तो ये प्लेटफॉर्म भी डॉक्टर एमडी सर के द्वारा प्रदान किया गया है। ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी टीम नोवल की चलती है। एड्रेस बहुत सिंपल है, लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोटी न्यू पाली रोड जोधपुर। तो जोधपुर में ये एक साइनिंग इंस्टीट्यूट है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। आज ही रजिस्टर्ड करें, यहाँ पे जो नंबर दिए हुए उन पे आप कॉल करें, रजिस्ट्रेशन करें और जुड़ जाइए टीम नोवल के संग ऑफलाइन कंसेप्चुअल स्टडी। और नॉर्थ सेट 2021 का अगर सपना आप देख रहे हैं तो एक स्मार्ट स्टडी के द्वारा ही आप इसको क्रैक कर सकते हो, और वो स्मार्ट स्टडी टीम नोवल आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह जुड़ के अपने भविष्य का निर्माण करिए। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने अभी तक लाइक बटन को प्रेस नहीं किया है। लाइक बटन को बिना प्रेस किए हुए कंसेप्ट का बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो अगर आप बेहतरीन कंसेप्ट बनाना चाहते हो, दिल से दिल को मिला के कंसेप्चुअल स्टडी करना चाहते हो, तो लाइक बटन दबाओगे तभी ये हमारा दिल से दिल मिलेगा, और उससे आपके अंदर से आत्मा की आवाज से सही जवाब निकलेगा, और आत्मा से निकली हुई आवाज कभी खोटी नहीं होती है, तो वो आंसर आपका खोटा हो ही नहीं सकता। आगे लेके चलता हूं। एसिटामिनोफेन एक दवाई है जिसका डोज लिखा आपने 240 मिलीग्राम ऑर्डर किया एक इन्फेंट के लिए, और उस इन्फेंट का वजन जो है वो 12 पाउंड है, 12 पाउंड उसका वजन है, और आपने 240 मिलीग्राम दवाई ऑर्डर कर दिया। अब यूजुअल डोज जो इन्फेंट की रहती है वो 10 से 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से देते हैं, बॉडी वेट के हिसाब से, है ना, 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट जो है, 10-15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से नॉर्मली डोज दिया जाता है मरीज को, और आपने ऑर्डर कितना कर दिया, 240 मिलीग्राम।
अब जो मरीज है आपका, उस मरीज का वजन जो है वो 12 पाउंड है। 12 पाउंड को अगर अपन किलो में कन्वर्ट करें, 1 पाउंड में 0.45 kg होता है, है ना, 4-5-3 kg होता है, तो उसको 12 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो लगभग 5.4 किलोग्राम के आसपास वजन आएगा। 5.4 kg मरीज का वजन है, अगर उसको 10 के हिसाब से दें तो 54 mg, और अगर 15 के हिसाब से दे तो लगभग 84 mg के आसपास डोज आता है। तो मरीज की डेली डोज जो है वो 54 से 84 mg है। समझ में आई बात को क्या कह रहा हूं मैं? मरीज का वजन कितना है? 12 पाउंड, 1 पाउंड में 0.453 kg होता है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मरीज का वजन निकलता है 5.5 किलो। अब बच्चा 5.5 किलो का है और उसकी डोज है 10 mg/kg, तो 5.5 किलो का बच्चा है और डोज है 10 mg/kg, तो उसकी टोटल डोज हो जाएगी 54 mg, ये डोज उसको देनी थी और हमने डोज कितनी दे दी? 240 mg। डोज बनती कितनी है? 54, और दे कितनी दी? 240 mg। क्या है? बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों ने बोला सर ज्यादा है, मैं कहता हूं इसको ज्यादा नहीं कहते, इसको बहुत ज्यादा कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी गुड। तो ये बहुत ज्यादा है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है गिव द मेडिकेशन एज ऑर्डर, तो नहीं दे सकते क्योंकि ये जो ऑर्डर मेडिकेशन है ये बहुत ज्यादा है। एडमिनिस्टर 2/3 ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड डोज, 2/3 दे दो इसका, है ना, जो प्रिस्क्राइब्ड डोज है इसका 2/3 दे दो तो भी बहुत ज्यादा है, इसका 2/3 भी बहुत ज्यादा बनेगा, है ना। वेट द इन्फेंट विदाउट क्लोथ, बिना कपड़ों के वजन करो, क्या आ जाएगा? और कम आ जाएगा। कपड़ों के साथ किया 5.5 आया, कपड़े हटाओ 5 हो जाएगा, तो और डोज कम देनी पड़ेगी, तो ये भी खोटा है। तो ए बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर को किसके साथ में? फिजिशियन के साथ में, क्योंकि ये डोज डोज ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर में जो डोज लिखी है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। क्या है? वेरी गुड। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही खोटे, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये दवाई बहुत ज्यादा डोज होने के कारण इस दवाई को हम इस मरीज को यहाँ पे नहीं देंगे। समझ रहे हो बात को? होल्ड करेंगे और जो आपका प्रिस्क्रिप्शन है उसको क्या कराएंगे? रिव्यू कराएंगे, चेक कराएंगे, रिवाइज कराएंगे। समझ रहे हो बात को? बहुत बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम बोन फ्रैक्चर। मरीज को बोन फ्रैक्चर हुआ है, उससे मरीज रिकवर कर रहा है और उसको आप एज ए नर्स केयर दे रहे हो। विच डाइट सिलेक्शन वुड बी बेस्ट फॉर दिस क्लाइंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन। बोन का मरीज को क्या हुआ है? फ्रैक्चर हुआ है, बोन फ्रैक्चर का मरीज है, रिकवर कर रहा है बोन फ्रैक्चर से, कौन सा डाइट सिलेक्शन जो है वो बेस्ट है इस मरीज के लिए, इस क्लाइंट के लिए? जिस मरीज को बोन फ्रैक्चर हुआ है उसको कुछ डाइट देंगे आप, बोन फ्रैक्चर वाले मरीज को, तो कौन सी डाइट सिलेक्शन जो है वो बेस्ट है उस मरीज के लिए जिसमें बोन फ्रैक्चर हुआ है? लोडेड बैग्ड पोटैटो, फ्राइड चिकन एंड टी, ड्रेस्ड चीज बर्गर, फ्रेंच फ्राइड एंड कोकी, ट्यूना फिश सलाद ऑन सरडोज ब्रेड, पोटैटो चिप्स एंड स्किम मिल्क, मंडारिन ऑरेंज सलाद, ब्रॉयल्ड चिकन एंड मिल्क। ये ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको डाइट चूज करनी है। कुछ ऐसे नाम है जो आपने सुने भी नहीं होंगे, हमने किसी ने नहीं सुने, फिर भी है, ये कुछ खाने की ही वस्तुएं हैं, ये कोई दूसरी वस्तुएं नहीं है, तो आप इनको लेके कंफ्यूज नहीं होगे, सब खाने का सामान है। पर ऐसे सामान देने के बावजूद भी जवाब दे सकते हो अगर आपके पास में कंसेप्ट है, इसलिए मैं कहता हूँ कंसेप्चुअल स्टडी करो। अगर कंसेप्ट है तो जवाब ठोक दोगे, नहीं है तो खोटा कर दोगे, बात इतनी सी होती है। तो यहाँ पे कंसेप्ट मानता है, ये कंसेप्ट मानता है, बोन का फ्रैक्चर हुआ है, मरीज उसे रिकवर कर रहा है, तो आपको चाहिए कि इस मरीज को ऐसी चीजें यहाँ पे आपको चूज करनी है बोन की फ्रैक्चर के बाद में, जो बोन की हीलिंग को बढ़ाए, टिश्यू की रिपेयर को बढ़ाएं और जल्दी से हीलिंग और जल्दी से वुंड की हीलिंग को बढ़ावा देने वाले चीजें होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि हड्डी के लिए जरूरी क्या होता है? मिल्क, एक ऑप्शन में लिखा हुआ है डी में मिल्क, तो दूध कैल्शियम रिच होता है, ये मरीज को चाहिए। चिकन प्रोटीन रिच होता है, चाहिए मरीज को, है ना। ऑरेंज सलाद विटामिन सी होता है, तो अगर मरीज को आप विटामिन सी दे रहे हो, है ना, मरीज को विटामिन सी दे रहे हो, मरीज को आप प्रोटीन दे रहे हो, मरीज को आप कैल्शियम दे रहे हो, तो क्या उस हड्डी वाले मरीज के लिए सारी चीजें फायदेमंद नहीं है? तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल है, और बिल्कुल है, तो आंसर डी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है वो अप्रोप्रिएट डाइट नहीं है उस मरीज है जिसमें बोन फ्रैक्चर है और आप वुंड की हीलिंग करवाना चाहते हो, बोन को वापस जुड़वाना चाहते हो, तो उसके लिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। उसको ऑरेंज सैलेड, उसको चिकन और मिल्क जो है इसको डाइट के अंदर बढ़ावा देना है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, ए बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा,
द नर्स रिकॉग्नाइज this that it would be contraindicated to induce vomiting if someone has ingested which of the following. बहुत important question है, multiple time repeat question है, but concept ले लीजिएगा, आज concept बनाओगे life long के लिए याद रखोगे, और ये conceptual study यही नहीं Noble Nursing Institute के offline classroom में daily होती है. तो अगर आप offline classroom से जुड़ना चाहते हो, offline study जिसको conceptual तरीके से करना चाहते हो, multiple MCQ को साथ में solve करना चाहते हो, तो जुड़ जाइए Team Noble से, भगत की कोठी न्यू पाली रोड, लेरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी न्यू पाली रोड जोधपुर. ऑफलाइन क्लासरूम के लिए आपको तुरंत टीम नोवल से जुड़ जाना चाहिए. तो यहाँ पे जो चार चीजें दी हुई है उसमें आपको पूछा है कि कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा वोमिटिंग इंड्यूस करना ना अगर मरीज ने किस चीज का इंजेक्शन कर लिया. इनमें से कौन सी चीज इंजेस्ट करने पे मरीज को वोमिटिंग नहीं कराएंगे आप. आइबुप्रोपेन, एस्प्रिन, विटामिन, गैसोलीन. चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं. कौन सी चीज को इंजेस्ट करने पे वोमिटिंग नहीं कराना होता है. वोमिटिंग नहीं कराना होता है. कौन सी चीज को इंजेस्ट करने पे वोमिटिंग नहीं कराना होता है अगर ऐसा आपको पूछे तो. आइबुप्रोपेन, एस्प्रिन और विटामिन, ये तीन चीजों का अगर मरीज ने इंजेक्शन कर लिया और उसको प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पे तो आपको वोमिटिंग को इंड्यूस कराना है. यहाँ पे तो आप वोमिटिंग जो है उसको इंड्यूस कराएंगे, नहीं कराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे इंड्यूस कराना है. तो इन तीन चीजों में तो वोमिटिंग इंड्यूस कराना है. लेकिन अगर मरीज ने गैसोलीन ले लिया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब भी मरीज लेता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इंजेक्शन जब भी करता है तो वहां पे वोमिटिंग जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है. तो यहाँ पे डी आंसर बनेगा क्योंकि उसमें वोमिटिंग कराने पे मरीज जो है उसमें एस्पिरेशन की रिस्क होती है. किसकी रिस्क होती है? एस्पिरेशन की. और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो एस्पिरेट बहुत जल्दी होते हैं पे मरीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी. तो आपको किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, गैसोलीन इज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, इसी तरीके से कैरोसिन होता है, इस तरह की चीजें अगर मरीज ने पे कर ली है, मरीज ने इंजेक्शन कर लिया है, तो उसमें वोमिटिंग जो है वो क्या रहती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है. तो ए, बी और सी, इन तीनों चीजों के इंजेक्शन पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है वोमिटिंग, लेकिन डी गैसोलीन के इंटेक पे जो वोमिटिंग है वो मरीज को क्या रहेगी? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी. बहुत ही बढ़िया. लाइक बटन को प्रेस करो, कंसेप्ट निकलेगा कहां से? निकलेगा अंतर्मन से. तो प्रेस द लाइक बटन, शेयर द कंटेंट, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. दो टाइम यहाँ पे वीडियो लेक्चर अवेलेबल होता है, सुबह 9:30 बजे, रात को 9:30 बजे. सुबह 9:30 बजे, रात को 9:30 बजे, दोनों ही टाइम इन वीडियो लेक्चर का फायदा उठा सकते हो. इसके अलावा आप अगर इमेज बेस के क्वेश्चन करना चाहते हो तो इमेज बेस के क्वेश्चन आपको अवेलेबल होंगे RajuSir07 के नाम से इंस्टा आईडी पे. RajuSir07 के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर आप सर्च करना, इंस्टाग्राम आईडी है RajuSir07 के नाम से. वहां पे आपको इमेज बेस के क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें इमेज बेस के क्वेश्चन के बारे में खुद को नॉलेजेबल बनाने के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंसेप्ट कहीं भी हो बनना जरूरी है, खास बात है. इसके अलावा आप टेलीग्राम लिंक जो यहाँ पे शेयर किया जा रहा है साथ साथ में, राजू सर के नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप क्या कर सकते हो? फॉलो कर सकते हो. तो टेलीग्राम पे राजू सर के नाम से, RajuSir07 के नाम से, इंस्टाग्राम के ऊपर आईडी है, वहां पे भी आप फॉलो करें और अपनी बेहतरीन भविष्य निर्माण के लिए कंसेप्चुअल स्टडी करें और जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी बनेगा, गैसोलीन. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार. आगे लेके चलता हूँ साहब, नेक्स्ट देखिएगा. द नर्स हैज जस्ट रिसीव्ड रिपोर्ट फ्रॉम रजिस्टर्ड नर्स. नर्स ने रजिस्टर्ड नर्स से अभी रिपोर्ट रिसीव की है. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट शुड द नर्स विजिट फर्स्ट. रजिस्टर्ड नर्स ने अभी रिपोर्ट रिसीव की है तो कौन से मरीज को सबसे पहले आप विजिट करेंगे. चार तरीके के मरीज की प्रॉब्लम वहां पे सुनी है आपने, रिपोर्ट में देखी है, तो इनमें से कौन से मरीज की को सबसे पहले विजिट करोगे, सबसे पहले हैंडल करोगे, सबसे पहले देखोगे आप. पहला मरीज है 50 साल की उम्र है, COPD का मरीज है और उसका PaCO2 जो है वो 50 है. उम्र 50 साल है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का मरीज है और उसकी PCO2 जो है वो 50 mmHg है. दूसरा है 24 साल उम्र का मरीज है, एडमिट हुआ है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के बाद में और कंप्लेन कर रहा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, SOB हो रहा है इसको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है. तीसरा है एक मरीज जिसको कैंसर है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है पेन की मेडिकेशन का. कैंसर का मरीज है, दर्द की दवाई के लिए कह रहा है, मॉर्फिन दवाई यूज की जाती है, कैंसर का पेन बहुत सीरियर पेन होता है इसलिए. और एक दिन पोस्ट ऑपरेटिव मरीज है, कोलिसिस्टेक्टोमी नाम की सर्जरी हुई है और मरीज का टेम्परेचर जो है वो 100 degree Fahrenheit है, मतलब मरीज को फीवर है. तो ये चार तरीके के मरीज आपको रिपोर्ट हुए, किस मरीज को सबसे पहले विजिट करोगे? क्या बात है भाई, सबने कह दिया सर सांस है तो आस है, सांस है तो आस है,
बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों के कंसेप्ट आपने बनाने अब शुरू कर दिए हैं, और अगर इस तरीके के कंसेप्चुअल स्टडी आप कर लोगे, इस तरह के चीजों को याद रख लोगे, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये सफलता आपको ऐसे मिलेगी जैसे आपने हंसते हंसते जो है जिंदगी में कई सारे काम कर लिए। तो पढ़ाई को लेके सीरियस मत होइएगा, पढ़ाई को सीरियस तरीके से कभी भी नहीं किया जा सकता। यू हैव टू बी इंटरेस्टेड, डोंट टेक लोड, पढ़ाई को लोड लेके मत करिएगा। पढ़ाई एक ऐसी तपस्या है जिसको तभी कर सकते हो जब आप उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे, जब आप उसको लेके बहुत अच्छे से खुद को इन्वॉल्व करोगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी। 24 साल का बच्चा जिसको मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, उसको सबसे पहले आपको केयर देना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं किया तो सांस टूट जाएगी, क्योंकि सांस टूटने की संभावना है, क्योंकि सांस जो है वो छोटे हो गए हैं, है कि नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी बनेगा, ए सी ओ डी, तीनों ही खोटे जवाब है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी है कि आप कहाँ रीच करें उस मरीज को जिसको मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ है। समझ रहे हो बात को, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। करना क्या है, काम बहुत सिंपल है, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, तो एक ऐप मिलेगा आपको इस लोगो के साथ में, 5-star रेटिंग का ये ऐप है, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप है। इस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए अपने मोबाइल के अंदर, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे और रिव्यू लिखे। जब आप रेटिंग और रिव्यू लिख देंगे ऐप के बारे में, तो इस ऐप के सारे फीचर आपके लिए खुल जा सिम की तरह हो जाएंगे, सारे फीचर खुल जाएंगे। वहां पे आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी, वहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर बिल्कुल फ्री है, इनको आप आनंद लीजिए और इस ऐप को इंस्टॉल करके रखिए, क्योंकि इन फ्यूचर इसी ऐप के ऊपर डिफरेंट टाइप की टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर जो है हर एक एग्जाम के लिए अवेलेबल होंगे। बस आपको ऐप को इंस्टॉल करके रखना है और डिफरेंट टाइप के टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर्स का भरपूर फायदा उठाना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस ऐप के अंदर। इसके अलावा इस ऐप के ऊपर डिफरेंट टाइप की चीजें आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। अब आप जब टेस्ट सीरीज को देते हैं, आपके नंबर में प्रॉब्लम हो रही है, आपको कंसेप्ट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, और आप चाहते हैं कि सर मुझे कंसेप्चुअल स्टडी चाहिए, मुझे ऐसा मटेरियल चाहिए जो मुझे नॉर्थ सेट को क्रैक करने में मदद करे, मुझे वो क्वेश्चन चाहिए जो नॉर्थ सेट के अंदर इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ऐसी कंसेप्चुअल स्टडी थ्योरी के साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी से जुड़ जाइए टीम नोवल के संग। मैं आपको ये चीज बताता हूं कि अगर आप 5 से 6 महीने तक ऐसी कंसेप्चुअल स्टडी टीम नोवल के साथ में कर लेंगे, तो आपका भविष्य निर्माण होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप इस चीज के लिए डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेस को अप्रोच करिए, जो कि है लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। अप्रोच करिए ऑफलाइन क्लासेज के लिए और जुट जाइए टीम नोवल के संग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल खुले हैं, और वहां पे आप कर सकते हैं कंसेप्चुअल स्टडी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन चैनल के ऊपर, बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे है। मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।